उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक तंगी झेल रहे प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राम रोजगार सेवकों के 3 साल के बकाया मानदेय राशि सीधे उनके खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से DBT के जरिए 35,008 रोजगार सेवकों के खातों में 225.39 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। मानदेय की धनराशि ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सेवकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, DC मनरेगा आनंद त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्राम रोजगार सेवक संघ के 3 साल का बकाया मानदेय देने पर CM योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान बकाया मानदेय के 225.39 करोड़ रुपए देने के बाद CM योगी ने ग्राम रोजगार सेवकों से उनकी समस्याएं पूछी और उसे समझने की कोशिश की। CM योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 50 लाख लोगों को मनरेगा से जोड़ने का है ताकि उनकी परेशानियां कम हो सकें। CM योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4 दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मजदूर लाए जा चुके हैं, अब सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था पर विचार कर रही है। CM योगी ने कहा कि बैंक और ग्राम विकास के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मजदूरों को 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता अलग से दे रही है और ग्राहक सेवा केंद्रों से भी पैसा बैंकों तक पहुंचाने की योजना है, जिससे प्रदेशवासियों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके। मेहनत से काम करेंगे ना? बिल्कुल सर करेंगे। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मेहनत से काम करें और मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे बड़ा कार्य है वही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करवाएं। जी सर, जी सर। हमारे प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और 23 करोड़ की आबादी में हमारा प्रयास होना चाहिए कि मई के अंत तक हम लोग 50 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार दे सके। तभी संभव हो पाएगा जब हर रोजगार सेवक पूरी मजबूती के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। और मुझे लगता है कि आपकी जो समस्याएं थी उसका समाधान सरकार ने किया है। अब आपको जो लोग गांव में भी प्रवासी श्रमिक या कामगार आए हैं या पहले से गांव में रहने वाले श्रमिक हैं या ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उन सब लोगों को रोजगार देने में अपना योगदान देंगे। जो भी प्रमुख सचिव जी हैं और मंत्री ग्रामीण विकास ने जो बात कही है, अगर उसका पालन करेंगे तो बहुत सारे लोग रोजगार पा करके इस योजना को और भी लोकप्रिय बनाने में सफल होंगे। वाराणसी क्या नाम है आपका? प्रेमलता। आपका नाम, कितना पैसा आपको मिल रहा है? 1,65,500। हाँ, काफी पैसा मिल रहा है आपको। क्या करेंगे इस पैसे के? बैंक में ही रखेंगे ना भाई? तो पैसा हाँ ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए सर। हाँ हाँ, धीरे धीरे करके निकालना, एक साथ में निकाल देना। नहीं सर, नहीं सर। जब आवश्यकता पड़े तभी निकालना, ठीक है ना? और जब बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है, जो वहाँ पे CDO के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशन किया जाए उसी प्रकार से तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है? बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। जूली सिंह नमस्ते। हाँ नमस्ते, कितना पैसा आपको मिला? सर 1,44,000। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है वहाँ पे रोजगार सेवक के रूप में काम कर रही हैं आप? जी सर, जी सर। कितने लोगों को रोजगार दिला रहे हैं इस समय? सर इस समय 2 काम चल रहे हैं, उसमें 25 और 50 है, 48 और 25। रोज काम पे आते हैं लोग? जी सर, जी। क्या काम हो रहा है वहाँ पे? एक चक मार का कार्य चल रहा है और एक टायर का कार्य चल रहा है। फोन तो है ना आपके पास? जी सर, जी सर। स्मार्टफोन से ही अटेंडेंस लगाने की कार्रवाई करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ये काम।
जी सर। कर पाएंगे? जी सर हाँ। हाँ बहुत सुंदर, आपको बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। असित कुमार मिश्रा गोरखपुर। हाँ ये गोरखपुर से हैं। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप? अकोला से हैं। कितना पैसा आपको मिल रहा है? 54,000 रुपया। काम चल रहा है मनरेगा का? जी सर। अच्छा कितने लोग लगे हैं? 102 लोग सर। 102 लोग कितने गाँव में? 3 काम चल रहा है सर। 3 काम चल रहा है। रोज आते हैं लोग? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। वहाँ पे आप लोग मौके पे जाते हैं? जी सर। जी सर। नहीं आज तो कहाँ गए, आज तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है बहुत सुंदर, पैसा मिलेगा तो फिर कायदे से काम करके जैसे बताया गया उसका पालन करेंगे, ठीक है ना? जी सर। बढ़ाई आपको और आपको आपके परिवार को भी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। रविसेन प्रताप। हाँ कितना पैसा आपको मिल रहा है? 48,000 सर। 48,000 जी जी। काम कितने लोग कर रहे हैं मनरेगा में? 117 लोग काम कर रहे हैं जी। 3 कार्य चल रहे हैं। 3 कार्य चल रहे हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं? एक सर सवाल है, एक संकलीकरण है, एक नाली का कार्य है, और सर को संवर्धन के लिए ट्रेनिंग की जा रही है, सब व्यवस्था की जा रही है। बहुत सुंदर। इसमें जी जी, अब स्मार्टफोन है ना? जी सर। जी अब जो भी हाजिरी वगैरह लगे तो स्मार्टफोन के माध्यम से लग करके अगर उसकी सीट यहाँ पे प्रतिदिन आ जाएगी तो समय पे पैसे का वहाँ पे भी पैसा भेजने में मदद मिल जाएगी। जी जी जी। सभी लोग इसका पालन करेंगे, है ना? जी जी जी। चलिए पैसा मिलने पर, धनराशि मिलने पर आपको और सभी रोजगार सेवकों को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। देखिए आप लोग मेहनत से काम करेंगे तो सरकार भी आप लोगों के हितों के बारे में सोच रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़े हुए जो समस्या थी इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है और आज खासतौर पर यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन MD के रूप में हो चुका है उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। वास्तव में रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं, उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है,
उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले एक पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा मान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है MSME सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के रोजगार के साथ जुड़े। अगर 50 लाख लोगों को हम गांव गांव में लोगों को रोजगार देना प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक पैसा सर्कुलेशन में आएगा और यह पैसा अर्थव्यवस्था को एक नया बल देगा, नई गति देगा। इसके अलावा मैं जितने भी हमारे मुख्य विकास अधिकारी गण हैं उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने जनपदों में ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन से जुड़े भी उन महिला स्वयं सेवी समूह को भी थोड़ा तेज करें। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बना सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ एक बात की चिंता शुरू हो गई कि फूल सूख रहे हैं, इनकी खपत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि पुष्प है तो हमें पहले से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका उपयोग हम इत्र बनाने में, अगरबत्ती और धूप बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में और देश में अगरबत्ती और धूप वियतनाम से बनती है, आखिर उसकी हम पूर्ति यहीं से कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह को इसके माध्यम से काम दे सकते हैं। छोटी सी ट्रेनिंग और छोटा सा उपकरण अगर हर महिला स्वयंसेवी समूह को हम दे देंगे तो गांव गांव में इत्र बनना प्रारंभ हो जाएगा, गांव गांव में धूप और अगरबत्ती बननी प्रारंभ हो जाएगी, उसकी क्वालिटी भी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सस्ते में वह आपको हर एक जगह उपलब्ध भी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों को प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा परिषद में 1,80,00,000 से अधिक बच्चों की दो दो यूनिफॉर्म हम बनाते हैं। ये यूनिफॉर्म हम महिला स्वयंसेवी समूह को दे सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह यूनिफॉर्म को बनाने या 1,80,00,000 बच्चों को स्वेटर हम लोग देते हैं, ये स्वेटर बुनने का काम या फिर भेड़ पालन के काम के माध्यम से ऊन का उत्पादन गांव गांव में कराया जा सकता है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना